गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अबड़ा टेंथ क्लास का जेडी के डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लोथ से रिलेटेड लास्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम आपको कंपोजिशन सेक्शन में अभ्यास कराने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हम सीखेंगे और एंड में हम अपनी बुक स्टार्ट कराएंगे टेंथ क्लास। तो जो नेक्स्ट है क्लॉजेज में बात कर रहे हैं हम एडवर्ब क्लास की। एडवर्ब क्लास में हम बात करते हैं नाउन की। नाउन क्लास एडवर्ब क्लास चल रहा है तो एडवर्ब क्लास के अंदर हमें सब्जेक्ट एज ए नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट एज ए नाउन एंड प्रोनाउन को इंडिकेट और करते हुए कनेक्टिव्स का प्रयोग करना है। जैसे नेक्स्ट है दिस इज द रोड इट लीड्स टू जयपुर। इट लीड्स टू जयपुर यानी इसको आप डेट से जोड़ेंगे, इसका कनेक्टिव है डेट और उस डेट को हमें जोड़ना है जयपुर। तो देखिए रोड के लिए इट आया है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद स्टार्ट होगा विद कंजक्शन दिस इज द रोड। तो इट किस इसको इट के स्थान पर डेट लीड्स टू जयपुर, ठीक है। दूसरा है कि सतीश इज माई ब्रदर, सतीश इज माई ब्रदर। बड़ा इसका जितना अभ्यास करोगे ना, देखो क्लॉज का जितना अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए सरल होता जाएगा, इजी होता जाएगा। सतीश इज माई ब्रदर, हिज एसे हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन, हिज एसे हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन, ठीक है। सतीश मेरा भाई है और उसका जो निबंध है वो सेलेक्ट हो गया है कंपटीशन के लिए। इसको अपन को जोड़ना है हुज यानी जिसका, यानी पर्सन टू थिंग एनिमल, ठीक है, यानी किसका संबंध किससे है। तो सतीश मेरा भाई है, उसका ऐसे, ठीक है। तो हुज का जो पजेसिवनेस किसका है, हिज से, और हिज किसके लिए आ रहा है, किसका ऐसे, सतीश मेरा भाई है, यानी सतीश का ऐसे ऐसे है वो, तो सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। तो सतीश इसके बाद कंजक्शन आएगा, हुज ऐसे इज हट जाएगा, हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन। अब क्या बच गया, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर आपने देखा, देखो सतीश जिसका ऐसे, यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है जिसका निबंध चुना गया है कंपटीशन के लिए मेरा भाई है। तीसरा सतीश हुज ऐसे का हो गया आई देखिए
आई हैव ए फ्रेंड, ही इज गुड एट सिंगिंग। ठीक है, इसको जोड़ना है हु से। हु किसके लिए आता है बच्चों? व्यक्ति यानी पर्सन के लिए आता है। ठीक है, तो कैसे जुड़ेगा? अब देखिए, पर्सन कौन है यहाँ पे? आई भी एक व्यक्ति की यानी प्रोनाउन है, ए फ्रेंड भी है। तो पहले इसको ढंग से पढ़ो। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कि मेरा एक दोस्त है, वह सिंगिंग में अच्छा है, सिंगिंग में बहुत अच्छा है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है ही, तो कंजक्शन ऑब्जेक्ट के बाद शुरू होगा। आई हैव ए फ्रेंड मतलब हु इज पर्सन के लिए आ गया, इज गुड, हु का मतलब जो कि अच्छा है एट सिंगिंग, हु इज गुड एट सिंगिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जांपल्स करवाएंगे, क्योंकि एग्जांपल के माध्यम से ही हमने आपको लास्ट ईयर तक के एग्जांपल्स कराने की कोशिश की जा रही है। जितने ज़्यादा हो सके इस टॉपिक को एक बार में ही समझ लो, इसको बार बार ना समझना पड़े, जितना अभ्यास हो सके उतना कीजिए। डेली इसको एक बार दो बार कर लीजिएगा। द फेस्टिवल एंडेड विद अ, नेक्स्ट है द फेस्टिवल एंडेड विद अ बैंक्वेट। विच टेस्टेड ऑल डे, इट लास्टेड ऑल डे। इट रैन लास्ट ऑल डे। तो यहाँ इट किसके लिए आ रहा है पहले ये देखो। मैंने बोला कि ये इसको तो छोड़ दो, इसको तो एक बार पढ़ लो और इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालो। मतलब एक तो ये सब्जेक्ट हो गया एंडेड विद अ, जो कि दूसरा नाउन आ रहा है ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, तो अब इट किसके लिए आया है? इट रेन लास्ट ऑल डे, ये आखिर पूरे दिन आखिर तक चला, तो ये फेस्टिवल के लिए इट आ रहा है। और जोड़ना है हमें, किससे जोड़ना है? विच से जोड़ना है इसको। इसका कंजक्शन विच है यानी जो कि। तो देखा आपने यहाँ विच किसके लिए आ रहा है? फेस्टिवल के लिए आ रहा है, क्योंकि इट यदि फेस्टिवल के लिए है तो यही ये हटेगा और कंजक्शन लगेगा। लेकिन इट किसके लिए है? इट अगर सब्जेक्ट के लिए है तो इसके बाद, तो विद कंजक्शन और फिर वो आपका सेंटेंस। अगर वो ऑब्जेक्ट के लिए है तो इसके तुरंत बाद कंजक्शन और फिर बाकी का सेंटेंस। द फेस्टिवल विच इट हट जाएगा, रेन लास्ट ऑल डे। अब क्या बच गया? हैंडेड विद ए बैंकेट, हैंडेड विद ए बैंकेट। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। द पुलिस नीडेड डिटेल, द पुलिस नीडेड डिटेल, द पुलिस नीडेड डिटेल। इट कुड हेल्प आइडेंटिफाई द रोबर, इट कुड हेल्प to identify the
रोबर डेड से जोड़ना है। तो पुलिस को आवश्यकता थी डिटेल की, डिटेल की आवश्यकता थी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट कुड हेल्प इन एडिट, तो इसके लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन या कौन सी चीज आ रही है? आई थिंक इट जो है उस ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो यहां पर आपके डेट लग जाएगा। द पुलिस नीडेड डिटेल डेट कुड हेल्प टू आइडेंटिफाई द रोवर। ठीक है, द बॉय वॉज प्रेज्ड बाई द टीचर, द बॉय वॉज प्रेज्ड बाई द टीचर, ही सॉल्व्ड द पजल, ही सॉल्व्ड द पजल। देखिए बॉय सब्जेक्ट है और टीचर इसका ऑब्जेक्ट है तो, और ये पैसिव सेंटेंस है, ये इसकी वर्ब है। अब इसको पढ़ लिया हमने कि द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर जो ही जो इसका स्टार्टिंग है वो किसके लिए आ रहा है? आई थिंक बॉय के लिए आ रहा है, और इसको जोड़ना है हु से जोड़ना है, जो कि व्यक्ति के लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। तो मुझे अगर, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये सब्जेक्ट के लिए है, तो पहले तो लिख दो सब्जेक्ट, उसके बाद लगाओ जो आपके ब्रैकेट में है कंजक्शन, और जो सेकंड वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको, उसका जो प्रोनाउन है वो हट जाएगा, उसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन हु आ जाएगा। हु सॉल्वड पूरा सेंटेंस उतार देंगे, वो सॉल्व द पजल। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। हो देखो लड़का जो कि सॉल्व करता है पजल को, वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। ठीक है, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? मिस्टर नारायण डज नॉट लाइक पब्लिसिटी, मिस्टर नारायण डज नॉट लाइक पब्लिसिटी। और हिज बुक्स आर बेस्ट सेलर, हिज बुक्स आर बेस्ट सेलिंग बेस्ट सेलिंग ठीक है। तो यहां पर आपको जोड़ना है हुज से,
तो ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें एक वर्ड रह गया डज नॉट लाइक, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हिज बुक्स किसकी किताब है? नारायण जी की, तो सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। तो मिस्टर नारायण हुज, हिज हट जाएगा पजेसिव, ठीक है। बुक्स आर बेस्ट सेलिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा डज नॉट लाइक, पब्लिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनता है? द पुलिस देखिए मुकेश इज ए डॉक्टर, ठीक है। हिज मदर इज अ इज एन IAS। किससे जुड़ेगा? देखो इसमें तो कंजक्शन अब अपने आप, जब आपके पजेसिव, ठीक है, एडजेक्टिव आता है तो यहाँ पर आपको हुज आएगा। तो मुकेश सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, जो हुज मदर ठीक है इज एन IAS इज ए डॉक्टर। फिर देखिए ही आस्केड द पैसेंजर टू पुश द कार, ही आस्केड द पैसेंजर टू पुश द कार, ठीक है। द कार वॉज नॉट स्टार्टिंग, यानी इसको किससे जोड़ना है? डेट से जोड़ना है, ठीक है। डेट से कैसे जुड़ेगा ये ध्यान दीजिएगा। ही आस्केड द पैसेंजर टू पुश द कार, तो ये तो टू इन्फिनिटिव क्लोज हो गया, यानी टू इन्फिनिटिव वर्ब के साथ आप जोड़ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि उसने पैसेंजर से पूछा, धक्का देने के लिए कहा, किसको? कार को। अब जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें कार रिपीट हो रहा है तो उसके स्थान पर डेट आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट के लिए है। ही आस्केड द पैसेंजर टू पुश द कार डेट वॉज नॉट स्टार्टिंग, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, काजल इज एन इंजीनियर, हर फादर
वाज ए ग्रोसर। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे बनेगा? बार बार बता रहा हूँ, काजल के लिए आया है हर, हुज आ जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले भी देख लो ये वाला सेंटेंस, मतलब आपको अभ्यास से ये भी पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा। विद प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ आ जाएगी। हुज फादर वाज ए ग्रोसर इज एन इंजीनियर। ठीक है, देखिए, आई बाउट द मैंगोज, आई बोट द मैंगोज, देवर पिक्ड बाई द सर्वेंट, देवर पिक्ड बाई द सर्वेंट। किससे जोड़ना है इसको? विच से जोड़ना है। विच से जोड़ना है इसको। विच किसके लिए आया है बताइए? मैंगोज के लिए आया है, तो मैंगोज के लिए दे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद आ ही जाएगा, नो प्रॉब्लम। आई बॉट द मैंगोज विच वर पिक्ड बाई द सर्वेंट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए कि द बेगर वाज हंग्री, आई गेव फूड टू हिम। द बेगर वाज हंग्री, आई गेव फूड टू हिम, आई गेव फूड टू हिम, आई गेव फूड टू हिम। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, किससे जोड़ने को बताया गया है बताइए? होम। अब देखिए, होम का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति के कनेक्शन होता है इसमें। तो बेगर को मैंने दिया है, किसको दिया है? बेगर को मैंने दिया है। तो द बेगर होम, जिसको मैंने भोजन दिया, टू हिम नहीं आएगा, वो तो होम के लिए आ गया है, जिसको मैंने वाज हंगरी। ठीक है, द बेगर होम आई गेव फूड, जिसको मैंने भोजन दिया वो भूखा था। ठीक है, लास्ट देखो, द मर्चेंट लेंट मनी टू द मैन, द मर्चेंट लेंट मनी टू द मैन। दूस और क्या कह रहा है? ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू हिम, ही वॉज
ए स्ट्रेंजर टू हिम। ठीक है, इसको हो से जोड़ना है। स्ट्रेंजर कौन है बताइए? एक व्यक्ति है। मनी टू द मैन, एक व्यक्ति को मतलब धन दे दिया है किसी व्यक्ति को, वो एक स्ट्रेंजर है उसके लिए, हु आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो द मर्चेंट लेंट मनी टू द मैन हु इज हु वाज ए स्ट्रेंजर। टू हिम भी लिख सकते हो इसमें, क्योंकि टू हिम किसके लिए आ रहा है? मर्चेंट के लिए, उसके लिए वो व्यक्ति क्या है? एक स्ट्रेंजर है। तो ये हो गया आपके 10th क्लास के क्लोज। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में कंपोजिशन पार्ट शुरू करेंगे।